बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आज मैं अपने बेहद के बच्चों से कुछ अपने मन की बात जो मेरे जीवन से जुड़ी हुई वो शेयर कर रही हूँ कि भगवान की प्राप्ति ऐसे नहीं होती, बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जी जान से एक ही लगन में खो जाना पड़ता है। भगवान की तलाश तो मुझे बचपन में ही थी, हर किसी को मैं पूछती भगवान कैसा होता है, कहाँ मिलता है, उसका रंग रूप क्या है, तो ये देवी देवता जो पूजा घर में करते थे तो मैं सोचती थी ये तो भगवान नहीं हो सकता, इनको बनाने वाला भी तो कोई होगा, ये भगवान नहीं है। लेकिन फिर भी चलो कथा भजन जो भी करती थी घर में, लेकिन कहीं गुरुओं के पास नहीं जाती थी, गुरुओं को मैं नहीं मानती थी। एक बार ऐसे ही रामलीला देखने भी गई थी ऐसे ही बच्चों के साथ, तो सब लोग फूल डाल रहे थे राम जी को, तो मैं जब फूल डालने माला डालने गई तो वापस आ गई माला लेके क्यों मेरे को दाढ़ी वाला आदमी दिखा वो, तो मैं वहाँ से वापस आ गई, मैंने उसको फूल माला नहीं डाली। तो कहने का मतलब ये है कि बचपन से ही मैं मन के अंदर सोच विचार बहुत चलता था और आकाश के ऊपर देखती रहती थी कि आकाश से परे भी कुछ ना कुछ होगा, आकाश के पार क्या है, और ऐसे लगता था जैसे हम आकाश के अंदर एक पिंजरे में बंद है, ऐसे महसूस करती थी। मैं किसी को कहती नहीं थी कुछ चीज़ें बातें, अपने मन की बातें चुपचाप अंदर ही अंदर मन चलता रहता था। तो धीरे धीरे फिर शादी के बाद बच्चे हुए, ये तो कुछ अच्छा ना लगे, मन को कुछ भी अच्छा ना लगे, कुछ पसंद ना आए, कुछ पहनने की इच्छा ना हो, ना खाने की इच्छा हो, ना बच्चों को खिलाया ना खुद खाया, कुछ भी नहीं बनाती, बस बच्चों को नमक की रोटी, आम का अचार, आलू, ये सब बना के खिला देती। और बच्चे मेरे इतने सीधे थे, मैं आज तक ऐसे बच्चे नहीं देखे कभी, कहीं मैं चली जाती सब बच्चों को लेके तो भी लोग कहते तेरे तो बच्चे पता ही नहीं लगता कहाँ बैठे हैं, घर के अंदर बहनों के घर कभी चले जाते थे। तो कहने का मतलब बच्चे भी मेरे इतने प्यारे, इतने देखने में भी इतना हर कोई का मन मोह लेते, ऐसे कभी आवाज़ नहीं करते, कभी रोते नहीं, कभी खाने को नहीं मांगते, कभी इधर फ्रेंड के घर नहीं जाते, ना सहेलियों के घर जाते, बस जैसे बिठाओ जहाँ बिठाओ वहीं बैठे रहेंगे, इतने साधारण, ना कपड़े मांगते, कुछ भी मांग नहीं थी उनकी, ऐसे मेरे बच्चे। हालांकि घर तो बहुत पैसे वाला घर था, ऐसी बात नहीं थी, मगर हमारे लिए कुछ नहीं था, हमें कुछ चाहिए भी नहीं था। तो कहने का मतलब ये था कि अगर मेरे को सब कुछ मिल जाता तो मैं भगवान की तलाश नहीं कर सकती थी। तब तलाश करते 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 एक बार हमारे पड़ोस में ब्रह्मा कुमारी में जाती थी एक बहन, वो कहती थी वहाँ भगवान शिव भगवान आया हुआ है। तो जितने जैसे मेरे बच्चे लगते थे ऐसे ही मैं भी इनके साथ वैसे ही लगती थी, पता नहीं लगता था माँ का कि भई ये इनकी माँ है। तो उसी टाइम पे डरपोक भी बहुत थी बहुत डरपोक थी, तो पड़ोसन ने आके मेरा दरवाज़ा खटकाया, वो सिंधी थी सिंधी, तो उसने शिव का परिचय दिया कि ब्रह्मा कुमारी में, तो मैं फिर उसने एक दिन बताया कि गुरुवार का भोग लगा था तो तेरे को ना याद करता शिव बाबा ने भोग लगाया, तेरे को आम भेजा, ये हार भेजा, ये भेजा, तो मैं भी रोने लगी, अच्छा भगवान ने मेरे को याद किया, अब जाऊँ कैसे, जा नहीं सकते, घर में बंधन इतना था कि पल पल की खबर रखते थे सब लोग। फिर कैसे ना कैसे भगवान की दया कृपा से होने जाने लगी आश्रम में चुपचाप, कभी ना कभी स्कूटर वाले को वहीं बाहर खड़ा कर देती और चली जाती। इतनी लगन लगी कि बस मुझे तो बस भगवान ही चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना बाल ना बच्चे ना घर ना बाल ना पति, कुछ भी नहीं चाहिए, ना पैसा ना कपड़ा, कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे भगवान की लगन लगी, ऐसी लगन लगी, कहते ना ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन,
वो तो गली गली प्रभु गुण गाने लगी। तो जो मिल जाए, नौकर मिल जाए घर में, दुकान का कोई भी आए, सबको शिव बाबा का परिचय, शिव बाबा, शिव बाबा, भगवान आया है, भगवान आया है, यही शोर मचाती रहती। हालांकि इस पीछे कई बार डंडे पड़े, बहुत कुछ सहन किया, वो बता नहीं सकती, बहुत कुछ सहन किया मैंने। और बच्चों ने मेरा हमेशा सहयोग दिया, बच्चों ने कभी भी मेरे से, आज तक मेरे बच्चे जिस राह पे भी मैं चलती हूँ वो हमेशा मेरे साथ होते हैं, कभी मुझे रोकते टोकते नहीं। उसके बाद वहाँ ही परिचय मिला कि एक चंद्रा माता थी उदयपुर की, उसको पता चला हमारे सामने ब्रह्मा कुमारी रहती है, तो वो मेरे घर में आई और एकदम गले मेरे पर लिपट गई, ये तो भगवान की बड़ी लाडली बच्ची है, ये तो भगवान की पहली किरण है, ये तो भगवान की खास बच्ची है, ऐसे। तो राम का पता चला, फिर जब राम का पता चला तो सब, वो उसकी मम्मा भी आई है, भगवान भी आया है, ये भी आया। तो मैंने क्या किया, अभी सोचा मैंने बच्चों की जल्दी जल्दी शादी करके मैं तो घर छोड़ देती हूँ, तो घर छोड़ के मैं नीरू के घर ही रहने लगी। उसने भी मेरा सहयोग दिया, रवि भाई ने मेरा बहुत सहयोग दिया, मेरे को अच्छा रखा, अच्छा पाला। तो फिर वहाँ से मैं आज़ादी से जा सकती थी कहीं भी, तो आज़ाद हो गई मैं। घरवाले ने कुछ दिन पीछा किया, फिर छोड़ दिया पीछा करना, लेकिन बच्चे मिलते गिरते थे मेरे को। फिर धीरे धीरे वहाँ से हमारे बापूजी मिल गए, तो मैं वहाँ मैंने सोचा कि आगे कुछ और भी होगा, भगवान ये ब्रह्मा है या विष्णु है तो शंकर भी वो चाहिए, क्या बोलते हैं, ये ब्रह्मा है शंकर है तो विष्णु भी चाहिए। तो सबने कहा विष्णु का पाठ है अहमदाबाद में, तो तुम्हारा भी पाठ है लक्ष्मी का, तो मैं ना भाई मेरे को कहीं नहीं जाना, मैं इन बातों से थक गई हूँ, मैं तो यहाँ ही रहूँगी, कहीं जाना नहीं मुझे, कुछ नहीं सुनना, बिल्कुल ना सुनूँ मैं तो। और किसी ना किसी तरह ज़बरदस्ती ये लोग मेरे को मना के, नहीं आपका माँ का पाठ है आप चलो, तो ठीक है माँ का पाठ है तो मैं चलती हूँ। तो जैसे ही मैं अहमदाबाद में आई, और वहाँ पे बापूजी ने किराए का मकान रखा हुआ था, और बापूजी की तबीयत तो बहुत ख़राब थी उस टाइम, दांत भी निकल गए, 40 साल से भी कम उम्र में दांत निकल गए, बुरा हाल था। तो जैसे ही मैं आई तो क्या हुआ, ऐसा मेरा हाल हुआ कि जैसे किसी ने मेरा कांटा निकाल दिया हो, और मेरा दर्द शांत, ऐसे शांत हो गई मैं निसंकल्प अवस्था। जो लोग आए मुझे मिले, गले मिले, माँ माँ करने लगे, तो उस टाइम तो ज्ञान तो मेरे को इतना नहीं था, बस यही था कि मुझे भगवान चाहिए, कहाँ ना कहाँ भगवान मिले मेरे को। तो माँ के दर्जा मिल गया तो मैं खुश हो गई कि हाँ भाई माँ से बड़ा दर्जा तो कोई नहीं है, तो मैं सबकी बुढ़े बच्चे सब माँ माँ करने लगे, तो मैं बड़ा खुश रहती थी। फिर धीरे धीरे बापू जी ने पहले वाणियों का ज्ञान दिया, फिर और ज्ञान दिया, फिर आगे बापू जी भी ज्ञान आगे बढ़ाते गए, क्योंकि बुद्धि बड़ी होती जाएगी तो फिर समझ में आने में भी देर लगती। फिर तो जब बापू जी का ज्ञान मुझे समझ में आया, फिर तो मैं हैरान हो गई कि भाई ये देने वाला जो है यही भगवान है, इससे बड़ा भगवान कोई संसार में हो नहीं सकता, जो पाना था वो मैंने अब पा लिया। इतनी मेरे अंदर नशा खुशी, पहले ज्ञान कम था और समझ में भी कम आता था, क्योंकि माहौल ऐसा था, लोग समझने नहीं देते थे, है ना, बहुत चक्कर थे उस टाइम पे। फिर बाद में जो ज्ञान समझ में आने लगा, और धीरे धीरे जो मेरे को देख देख के कि भई ये असुर लोग भागने लगे, पहले सहयोग दिया बापू जी को, फिर भागने लगे मेरे को देख के, उससे मतलब स्वार्थ के लिए आते थे, स्वार्थ के लिए, लेकिन बापू जी चला रहे थे कि कोई बात नहीं, सहयोग तो दे रहे हैं, कोई बात नहीं, अंदर से कुछ भी है, बापू जी सब जानते थे। जब बापू जी का ज्ञान मुझे समझ में आने लगा तो इतना अटल निश्चय बैठ गया मुझे, क्योंकि बापू जी ने सब्जियाँ फल कलर हर चीज़ दुनिया में जो भी नाकों से देखते हैं, सब कैसे उत्पन्न हुई, किसके संकल्पों से हुई, इतना बापूजी ने ज्ञान दिया कि मैं सुन सुन के दंग रह जाती थी कि बापूजी का दिमाग है कि क्या है। तो निश्चय तो मेरे को अटल इतना बैठ गया दिमाग में कि कोई मेरे को हिला ना पाए। बहुत हिलाने वाले आए, जान से मारने वाले भी आए, बहुत कुछ हुआ,
लौकिक में भी बहुत कुछ हुआ, और फिर यहाँ ज्ञान में आने के बाद भी अलौकिक वालों ने भी मतलब मेरे को भगाने की कोशिश भी करी, मगर किसी की इतनी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि मेरे को कोई दूसरा ज्ञान सुनाए किसी और का। औरों को सुनाते रहते आपस में, इसलिए चले जाते थे, उधर ज्ञान अच्छा है उधर अच्छा है, मगर मेरे को किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि मेरे को कोई ज्ञान की बात करे। तो चलो जो हुआ अच्छा हुआ, स्टोरी तो बहुत लंबी है बेटा। फिर नीरू ने भी मेरी बड़ी सेवा की, मेरे बच्चों ने, लौकिक वाले बच्चों ने और अलौकिक वाले बच्चे, जो अलौकिक वालों ने बच्चों ने मुझे प्यार दिया ना, तो मुझे लौकिक वाले बच्चे बुला दिए, अलौकिक बच्चे, इतने प्यारे बच्चे मेरे को मिल गए कि मैं इनका क्या वर्णन करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। इतना प्यार दिया मेरे को अलौकिक बच्चों ने, लौकिक बच्चों ने दिया, लौकिक परिवार ने भी दिया, ऐसा नहीं है, लौकिक परिवार ने बहुत मेरे को प्यार दिया है। जो बहन भाई थे वहाँ पे, उन्होंने मेरे को, जो मदर थी, सब ने बहुत चाहा, बहुत प्यार दिया, क्योंकि मैं बहुत सेवा करती सबकी। तो कहानियाँ तो बेटे बहुत लंबी लंबी है, मगर अब मैं जो मेरे को लौकिक बच्चों ने, अलौकिक बच्चों ने, अनंत ने बहुत प्यार दिया, अनंत ने तो मेरी कभी उंगली नहीं छोड़ी जब से मैं यहाँ आई, दिन रात वो मेरे साथ ही, मेरे लिए उसने कुछ भी, मतलब ठीक है पढ़ाई तो आश्रम में रह के भी उसने करी है, बी कॉम भी किया, फिर LLB भी करी, ऑफिस भी जा रहा था, लेकिन लालू ने जो मुझे प्यार दिया उसका मैं वर्णन नहीं कर सकती। उसने माँ बहन भाई सबका प्यार मुझे दिया। तो कहने का मतलब मेरे जो अलौकिक बच्चे हैं उनका भी मैं प्यार जो है, तो मैं इन बच्चों को, लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, तो इन बच्चों का जो मेरे सिर के ऊपर, क्या कहते हैं ना, अब मैं ये तो नहीं कह सकती, मगर जो मेरे को सहयोग दिया और प्यार दिया है, इसके बदले में मैं बच्चों को क्या दूं, कुछ तो देना चाहिए ना मुझे, लौकिक बच्चे भी है, अलौकिक बच्चे भी। तो बच्चों ने जो मुझे प्यार दिया, सुख शांति दी और मेरे को चाहा दिल से, तो इनके बदले में मैं लौकिक बच्चों, अलौकिक बच्चों को क्या दूं? आपके दिमाग में क्या आता है, क्या दूं आप सबको? तो मैं जो आपको गिफ्ट देने वाली, वो दुनिया के अंदर कोई भी ना दे सकता। मैं हमेशा एक ही मेरे पास बात है कि बेहद के दादाजी का परिचय देना, ये मेरे लिए सबसे बड़ी, दुनिया की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो मैं और इससे ऊपर कुछ दे सकूं। तो बच्चों को देना मतलब उनको मजबूत बनाना कि बच्चे डावा डोल ना हो। लौकिक बच्चों को भी निश्चय है, भले वो आश्रम में संगठनों में कम आए हैं, मगर निश्चय उनको 100% है बापूजी पे, कभी उनको डाउट नहीं हुआ, कभी शक नहीं हुआ, कभी निश्चय नहीं आया, ये सबसे बड़ी बात है। निश्चय बुद्धि विजयंती बोलते हैं ना। फिर अलौकिक बच्चे, इनका भी मैं कैसे एहसान उतारूं कि मेरे बच्चों ने क्या किया है मेरे साथ। जो अलौकिक बच्चे हैं, इन्होंने मेरे को हमेशा इतना प्यार दिया है, माँ 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 इतना प्यार दिया है, मेरी हर बात पे फूल चढ़ाया, जो भी मैं ज्ञान दूँ, हाँ माँ हाँ माँ। तो इसका मैं कैसे, इनका जो एहसान है मेरे पे, तो मैं कैसे इसको उतारूँ, मतलब कहने का कि मैं इनको मजबूत बनाती रहूँ कि कभी भी मेरे अलौकिक बच्चे डावा डोल ना हो, बाप का हाथ ना छूटे, बाप की उंगली ना छूटे, बाप से प्राप्ति होनी है हमेशा। बच्चों को मैं बापू जी को आगे रखती हूँ, अपने को कभी नहीं आगे रखा मैंने, बच्चों को यही समझाती हूँ कि बच्चों का मैं हमेशा ऊंच से ऊंच पद प्राप्त करने का उनका भाग्य बने, कैसे ऊंच से ऊंच पद प्राप्त करें, यही मेरा हमेशा लक्ष्य रहता है। तो जो भी मुझे समझ में आता है मैं दो दो शब्द बच्चों को बताती रहती हूँ ताकि ये डावा डोल ना हो और बाप से उंगली ना छूटे किसी बच्चे की, कोई बच्चे का दुर्भाग्य ना बने, हमेशा ऊंच से ऊंच पद प्राप्त करें। मैं ऊंच से ऊंच देखना चाहती हूँ बच्चों को, और बाप से प्राप्ति होगी, बाप से प्राप्ति होगी, बाप को याद करने से प्राप्ति होगी, वही बच्चों को समझाती रहती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ आने के बाद जैसे जैसे बापू जी ज्ञान देते रहते थे, चित्र बनाती रहती थी, बहुत चित्र बनाए मैंने, बापू जी ने हर धर्म की आत्मा,
कौन कौन से धर्म है, कितना पावर है, कितनी पॉपुलेशन है, सब चीज़ें बापूजी ने बताई, तो मैं सारा कैलकुलेशन भी करती रही और चित्र बनाती रही। तो कब से मैं 20 कम से कम 20 सालों से चित्र बना रही हूँ मैं, बनाते बनाते देखो अभी तक जहाँ तक पहुँच गए हैं। अब कहानियाँ तो बहुत हैं बेटा, अब मोबाइल में इसमें तो इतनी कहानी बता सकती हूँ। परम शांति।